छुपो मैं आ रही। कहाँ निदा? निदा यहाँ है। पकड़ लिया, पकड़ लिया। पुलिस को झाड़ियों में से अजीज की लाश मिलती है। फारिया का शौहर, ये वही अजीज है जो कल तक अपनी बेटी और साली के साथ खेलता हुआ पाया गया। लाश को फौरी तौर पे शनाख्त कर लिया जाता है, बल्कि इब्तदाई मुआयने में पुलिस जो अंदाजा लगाती है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद सही साबित होता है कि अजीज को गला घोट कर हलाक किया गया है। आखिर कातिल कौन था और इसे क्यों कत्ल किया गया था? ऐसे बहुत से सवालात को जानने के लिए हमें जाना होगा कहानी के पीछे। चलो अब ये खेल खत्म करो, टीचर आने वाले हैं। अपने रूम में जाओ। हमें बस होने वाले हैं। एक तो तुम लोगों का टीवी से और गेम से दिल नहीं भरता, और जहाँ पढ़ाई की बात आती है तो पढ़ाई में दिल नहीं लगता। चलो बच्चों अब उठ जाओ, तुम लोगों के टीचर आने वाले हैं। चलो खड़े हो, शाबाश, आ जाओ बेटा निदा, फटाफट फटाफट जाके अपने बैग्स निकालो, शाबाश, हरी अप। आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो मतलब? दुकान जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ? तैयार तो ऐसे हो रहे हो जैसे के जैसे के। अजीज भाई, क्या मुझे कुरियर ऑफिस ले चलेंगे? तुम्हारा कब से काम पड़ गया कुरियर ऑफिस में? आप ही, मेरी वो फ्रेंड है ना कुलसुम, उसकी बर्थडे, तो मैं सोच रही हूँ मैं उसको एक गिफ्ट कुरियर कर दूँ। ये तो दुकान जा रहा है। कोई बात नहीं फारिया, मैं अरीना को कुरियर ऑफिस छोड़ देता हूँ, दुकान थोड़ा लेट चला जाऊंगा। थैंक यू अजीज भाई। अलीना इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना। जी आप ही, हमारे घर में जो बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर आते हैं, खुर्रम, वो तुम्हें कैसा लगता है? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं।
मतलब ये कि वो तुम्हें पसंद करने लगा है और तुमसे शादी करना चाहता है। हाँ, इसको सही तरह लिखो। हाँ, ये मिस्टेक आ रही है, इसको सही कर। गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। खुर्रम, मेरे बच्चे अच्छा तो पढ़ रहे हैं ना? माशाल्लाह, आपके दोनों बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। ये तो बस तुम्हारी तवज्जो की वजह से है। अरे नहीं फारिया जी, ये सब आपकी तरबियत का नतीजा है। अच्छा खुर्रम, एक बात तो बताओ, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? मेरे आगे पीछे कोई नहीं है फारिया जी, मतलब मुझसे कौन शादी करेगा? तुम जवान हो, अच्छा खाते कमाते हो, कोई लड़की पसंद हो तो बताओ। क्या आप मेरी शादी करवाएंगी? हाँ हाँ जरूर, तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो बताओ। वो फारिया जी। अरे शर्माओ नहीं, बताओ कौन है वो? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? दरअसल आपकी बहन अलीना मुझे बहुत पसंद है, मुझसे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, तो मेरे बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ तुम यहाँ ये गुल भी खिला रहे थे? हाँ, आई एम सॉरी फारिया जी, अगर आपको बुरा लगा हो तो। आपने पसंद का पूछा तो मैंने बता दिया। क्या अलीना भी तुम्हें पसंद करती है? इस तरह की बात मैंने उससे की नहीं। देखो खुर्रम अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा भी है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। आप ही, मैं उसे पसंद नहीं करती। क्या मतलब तुम्हें नहीं पसंद? क्या किसी और को पसंद करती हो तुम? अरे चलो यार, ये बातें फिर कभी कर लेना। चलो अलीना, आ जाओ, देर हो रही है। चले अजीज भाई। अगर अलीना को खुर्रम पसंद नहीं था तो आखिर कौन पसंद था? यही बात फारिया को बेचैन कर रही थी। औरत में एक खूबी होती है कि वो इंसान के अंदर छुपे जज्बात को बहुत जल्द महसूस कर लेती है। क्या फारिया ने जो कुछ महसूस किया था वो सही था? क्या बात है अलीना, तुम्हारा गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं अजीत भाई, मुझे ऐसा लगता है आप ही हम पर शक करती हैं। अलीना, उसकी तो आदत ही शक करने की है, बहुत शक्की मिजाज है वो। आपको पता है अकेले घर आने से मना करती हैं, आपसे थोड़ा सा मजाक कर लूं तो अजीब तरीके से घूरती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं तो कहता हूं तुम अपनी आप ही की बात मान लो और खुर्रम से शादी कर लो। नहीं, मैंने खुर्रम से शादी नहीं करनी। इसका मतलब है कि तुम नहीं मानोगी। अजीज भाई, एक आप ही तो हैं जिनसे मैं अपने दिल की हर बात शेयर करती हूँ, आप ही तो हमेशा गुस्से में रहती हैं। अच्छा ठीक है बेटा, चलो सही है, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। कौन था अम्मी? अजीज था बेटी, जवाब मांग रहा था। तो आपने क्या कहा? मैंने तो उससे कह दिया अलीना से पहले फारिया की शादी कर दूंगी मैं। अच्छा, तो वो मान गए क्या? कह रहा था ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। तो आप भी कह देती ना उनसे, अगर उनको इतनी ही जल्दी है शादी की तो वो कहीं और कर ले। अगर वो तुमसे शादी के लिए तैयार है अब। अम्मी ये क्या बात हुई, वो अलीना का रिश्ता लेने आया था और वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। तो क्या हुआ, जिस घर में बेटियां होती हैं वहाँ ऐसा भी हो जाता है। लेकिन अम्मी, अगर वो हमारी मर्जी पर छोटी के बजाय बड़ी से शादी के लिए तैयार है तो इसमें क्या बुराई है? मुझे तो जरूर कोई गड़बड़ लगती है। अरे कोई गड़बड़ नहीं है,
मर्द को जिंदगी गुजारने के लिए औरत के सहारे की तो जरूरत पड़ती है ना। इसका मतलब है कि उसे बीवी नहीं, एक नौकरानी की जरूरत है। घर का कामकाज करने से और शौहर का ख्याल रखने से औरत की इज्जत और उसकी पहचान होती है। लड़का शरीफ है, आगे पीछे भी कोई नहीं है उसके। मैंने तो सोच लिया फारिया, मैं तेरे लिए यहाँ कर दूंगी। पर अम्मी। बस अजीज भाई, मुझे तो लगता है आप ही हम पे इसलिए शक करती हैं कि पसंद आप मुझे करते थे और शादी आपकी उनसे हो गई। ये सच है अलीना, रिश्ता तो मैंने तुम्हारे लिए ही भेजा था, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन छोड़ो, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। बताए ना अजीज भाई, प्लीज बोले ना। देखो अलीना, भारिया जब से मेरी जिंदगी में आई है मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। मैं पसंद तुम्हें जरूर करता था, लेकिन अब मैं सिर्फ और सिर्फ फारिया से ही मोहब्बत करता हूँ। वाओ अजीज भाई, आप तो बड़े रोमांटिक हो गए। काश इस हमारे रोमांटिक मूड को तुम्हारी बहन भी समझ पाती, वो तो हर वक्त मुझ पर शक ही करती रहती। हालांकि बुरा तो मुझे मानना चाहिए कि पसंद आप मुझे करते थे और शादी आपकी उनसे हो गई। तो बताओ क्या तुम्हारी आपी अगर वलीद से तुम्हारी शादी के लिए ना मानी तो फिर? मैं सच कह रही हूँ, अगर मेरी शादी वलीद के साथ नहीं हुई ना तो मैं कुछ भी कर लूंगी। अच्छा अच्छा, अब तुम टेंशन मत लो, मैं आज ही फारिया से बात करता हूँ और तुम्हें मैसेज कर दूंगा। थैंक यू वलीद भाई। फारिया को अपने शौहर की बेवफाई पर शक होता जा रहा था और उस रात वो शक यकीन में बदल गया जब फारिया ने खुद अपने कानों से अजीज को मोबाइल फोन पर गुफ्तगू करते सुन लिया। से बात करता हूं। हेलो हेलो, यकीनन तुम जवाब जानने के लिए बेताब हो रही होगी। हाँ अजीज भाई, आपने आप ही से बात की कि नहीं? नहीं यार, फारिया का मूड इतना खराब है कि मैं अब तक इस बारे में उससे कोई बात नहीं कर सका। अगर मुझे वलीद ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। क्या कहा तुमने? तुम मर जाओगी? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? देखो, मुझे तुम्हारे जज्बात का एहसास है। खाक समझते हैं आप, मुझे तो लगता है आप भी आप ही से डरते हैं। बात यह है अलीना कि जो तुम चाह रही हो वो मुझे भी मुश्किल नजर आ रहा है। तो ठीक है, फिर मुझे मेरा हाल पे छोड़ दें, मेरी जो मर्जी होगी मैं वो ही करूंगी। अलीना अलीना, तुम नाराज मत हो। अच्छा, अरे बाबा तुम नाराज मत हो ना, बोला है ना। अच्छा ठीक है, मैं फारिया से बात करता हूँ। ठीक है, चलें ठीक है। अलीना और अजीज अपने मकसद में कामयाब हो गए थे या फिर फारिया ने इनकी मोहब्बत को रोकने के लिए कुछ कदम उठाया था? कहानी को मंतकी अंजाम पहुंचाने से पहले हमें एक बार शुरू से फिर इस मंजर को देखना होगा।
छुपो ना छुपो मैं आ रही। कहाँ निदा? निदा यहाँ है। पकड़ लिया पकड़ लिया। आखिरी बार आपकी अजीज से कब बात हुई थी? एक फोन आया था। हेलो जी, मैं अजीज बात कर रहा हूँ। जी नहीं, इस वक्त तो मैं नहीं आ सकता, मैं कल आके देख लेता हूँ। अच्छा अच्छा, तो फिर आप एक काम कीजिए, अपना एड्रेस मुझे एसएमएस कर दें। जी बेटर, खुदा ऑफिस। मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? एक कस्टमर का यूपीएस खराब हो गया है, थोड़ी देर का काम है, मैं करके आ जाता हूँ। ये कोई टाइम है जाने का? कल चले जाना। यार तुम्हारे सामने वो कितनी रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है। जब वो काफी देर तक घर नहीं आए तो मैंने उनसे फोन पर बात करने की कोशिश की। कोशिश? क्या मतलब? आपकी अजीज से बात नहीं हुई? उनका नंबर बंद मिलता रहा। ये कौन है? ये मेरी बहन है और ये मेरी अम्मी है। आपने अपनी बहन और अम्मी की मदद से अपने शौहर को तलाश करने की कोशिश नहीं की? मुसलसल नंबर स्विच ऑफ मिलने पर मैं फौरन अपनी अम्मी के घर चली गई और फिर हम दोनों ने अजीज को बहुत ढूंढा पूरे इलाके में। शौहर की किसी से दुश्मनी या आपको किसी पर शक? नहीं नहीं, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं किसी पे शक करूं। बीबी आप बेफिक्र हो जाएं, आपके शौहर के कातिल जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे।
इस कत्ल से मुतालिक आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आए आप हमें जरूर बताइएगा। जी जरूर। आसिफ इन तमाम लोगों के मोबाइल नंबर लो और इसका डेटा निकलवा के मुझे फौरन दो। पुलिस ने बाकायदा जब तफ्तीश का आगाज किया तो कुछ अहम इंकशाफात पुलिस के सामने आए जो आगे जाके पुलिस के लिए बड़े मावन साबित हुए। सर खुर्रम और फारिया की कॉल हिस्ट्री मिल गई है। गुड। और कुछ आइडेंटिफाई हुआ? कुछ नहीं सर, बहुत कुछ मिला है। अच्छा, क्या मिला जरा बताओ तो। सर कत्ल और कत्ल के बाद दोनों की मुसलसल एक दूसरे से मोबाइल पे बात होती रही है। सर खुर्रम पे मुझे भी शुबा था, उसने मुझे भी कुछ इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिए थे। और क्या इन्फॉर्मेशन लाए? सर खुर्रम ने बताया था दोनों मियाँ बीवी में काफी झगड़ा हुआ था। सर आपकी मुस्कुराहट से लगता है आपके पास कोई अहम इन्फॉर्मेशन है। हाँ यासिर, जब मैं अलीना के घर तफ्तीश के लिए गया तो दरा ने पूछ गछ उसने मुझे बताया। अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं आपकी बेटी से कुछ अलहदगी में पूछ गछ कर सकता हूँ? आपको मेरी बेटी पे क्या कोई शक है? तफ्तीश और छानबीन से कुछ शकूक शुबहात पैदा हुए हैं, उसे मैं दूर करना चाहता हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अगर ऐसी बात है तो आप अलीना से पूछ गछ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आप चाय लेंगे या ठंडा? जी नहीं, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। अलीना, क्या ये सच है कि आप अजीज से बहुत बेतकल्लुफ थी? जी। आप दोनों को अक्सर लोगों ने बाहर घूमते हुए देखा? असल में बात यह है कि मैं अपनी हर पर्सनल बात अजीज भाई के साथ शेयर करती थी और जब भी मुझे अपनी पर्सनल बात शेयर करनी होती थी मैं उन्हें बाहर ले जाया करती थी। बाहर क्यों? आप पर्सनल बात अपने घर पे भी शेयर कर सकती थी। सर बाजी बिला वजह शक करती थी हम दोनों पर, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर वो क्या बात थी? सर बात यह है कि मैं वलीद को पसंद करती हूँ और बाजी चाहती हैं कि मेरी शादी खुर्रम से हो जाए। ये बात उन्हें पता था कि आप वलीद को पसंद करती हैं? नहीं सर, अपनी बात मनवाने के लिए ही मैंने अजीज भाई का सहारा लिया। सर तफ्तीश के लिए खुर्रम को भी लाना होगा, मुझे लगता है कि इस केस के बारे में वो बहुत कुछ जानता है। तो फिर देर किस बात की है, ले आओ उसे। क्या कहता है ये? सर कत्ल का इतराफ कर लिया इसने। तुम्हें अजीज को कत्ल करके क्या फायदा हुआ? चल भाई शुरू हो जा, बता सर को शुरू से क्या हकीकत है ये। बता सर को। सर जिस दिन अजीज और फारिया का झगड़ा हुआ था उस दिन फारिया ने मुझे कॉल करके बुलाया था। इस वक्त कौन? हेलो खुर्रम, मैं फारिया बात कर रही हूँ। जी जी फारिया जी बोले। इस वक्त कहाँ हो तुम? अभी तो मैं घर पे हूँ, खैरियत कोई काम? मुझे अभी फौरन तुमसे मिलना है, क्या तुम अभी घर आ सकते हो? जी अभी आता हूँ मैं। ठीक है हाफिज।
फारिया ने मुझे बताया कि अजीज ने उसका जीना दोबर किया हुआ है और उसके जीते जी अलीना से मेरी शादी नहीं हो सकती। तो फारिया ने तुम्हें इस्तेमाल किया? जी, फारिया जानती थी कि मैं उसकी बहन अलीना को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। और इसका फायदा तुमसे फारिया ने उठाया? तुम तो मास्टर हो, तुम्हारी खोपड़ी में ये बात नहीं आई कि आखिर वो अजीज को रास्ते से क्यों हटाना चाहती है? और तुमने अलीना को पाने में बड़ी जल्दबाजी दिखाई। दरअसल फारिया के जहन में अलीना और अजीज से मुताल्लिक एक गलतफहमी पैदा हुई। ज्यादा शख्स है, उसने अपने ही हाथों से अपने घर को बर्बाद कर दिया। काश वो इस गलतफहमी को मिल बैठ के दूर कर लेते तो ये जुर्म करने की नौबत ना आती। इस जुर्म में फारिया भी बराबर की शरीक है, उसे भी गिरफ्तार करना होगा। काश के फारिया ने नफरत की चिंगारी को उसी वक्त बुझा दिया होता तो जुर्म की इस आग में खूनी रिश्ते लपेट में ना आते। आसिफ, पुलिस पार्टी रवाना करो और फारिया को फौरन गिरफ्तार करके ले आओ। ओके सर। काश उसी वक्त अलीना अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती, इंतकाम की आग खूनी रिश्तों में ना भड़कती, फारिया के बच्चे यतीम होने से बच जाते। अब ये सोचना है आप। हर जुर्म का अंजाम बेहाना की होता है, हमारी आज की कहानी की तरफ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।